नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास एक्सप्लेनर में। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस भाई को सपोर्ट करिए। कहानी शुरू होती है और हम एक पादरी को देखते हैं जो एक बच्चे के साथ होता है। उस बच्चे के शरीर पर एक अजीब निशान होता है। पादरी एक खंजर उठाता है और उस बच्चे को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती। पादरी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा भविष्य में खतरनाक बन सकता है, लेकिन पुलिस पादरी की एक नहीं सुनता और उसे गोलियों से भून देते हैं। यहाँ पे सीन काट होता है और हमें 30 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ मेरेक नाम का एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक प्रीस्ट होता है, साथ में एक एग्जोसिस्ट भी। मेरेक को मोनेस्ट्री में एक लड़की के एग्जोरिज्म में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। मोनेस्ट्री में मेरेक का स्वागत यहाँ के हेड फादर एंड्रेस करते हैं, जो कि मेरेक से बताते हैं यहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जिनके अंदर सैटन का वास होता है। मोनेस्ट्री के रूल के मुताबिक मेरेक की सामानों का तलाशी ली जाती है, जिससे एक डेविड नाम का आदमी कर रहा होता है, जिसमें से उसे दो सिगरेट के पैकेट के अलावा दूसरा गलत चीज नहीं मिलता। मेरेक को उसका कमरा दिखाया जाता है, जो कि बहुत गंदा होता है, हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरेक अपना कपड़े बदलकर प्रिस्ट वाले कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वो अपने सूटकेस खोलता है और उसके नीचे की तरफ उसने एक गन और एक पेपर कटिंग छिपा के रखा था। मेरेक उस पेपर कटिंग को देखता है, जिसमें 8 लड़कियों की लापता होने की खबर छपी थी। दरअसल मेरेक असल में पुलिस वाला होता है, जो कि इन 8 गुमशुदा हो चुकी लड़कियों का पता लगाने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि पुलिस को मोनेस्ट्री के खिलाफ किसी अनजान व्यक्ति ने टिप दी थी। उन 8 लड़कियों की लापता होने के पीछे इस चार्ज का ही हाथ है। मेरेक सभी प्रिस्ट के साथ सभा में शामिल होता है, जिसके बाद सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, जिस खाने से मेरेक को सड़े हुए मांस की बदबू आती है। हालांकि जब वो सबको देखता है तो सभी आराम से अपना खाना खा रहे, इसलिए किसी तरह से मेरेक भी खाना खा लेता है। इसके बाद अगले दिन फादर एंड्रेस मेरेक और बाकी सभी प्रिस्ट को इकट्ठा करके कहते हैं वो सभी साथ में मिलकर एक लड़की के एग्जोरिज्म करने वाले हैं, जिसमें वो लोग इसके अंदर के सैटन को बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उस लड़की को एक बेड से बांध दिया जाता है और फादर एंड्रेस इस रिचुअल को शुरू करते हैं, जिनके मंत्र बोलते ही वो लड़की अजीब तरह से हिलने लगती है। साथ में बेड भी काफी हिल रहा होता है, जिसमें वो लड़की बंधी हुई थी। तभी अचानक से जो क्रॉस लेके फादर मंत्र वगैरह बोल रहे थे, उसमें आग लग जाती है और इसके बाद ये रिचुअल खत्म हो जाता है। वही मेरेक अपने रूम में आता है, जहाँ मुंह धोते वक्त उसे शीशे में कुछ दिखता है, जिसे छूते ही पूरा शीशा चिटक जाता है और ये देख मेरेक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद रात को मेरेक चुपके से फादर एंड्रेस के ऑफिस में दाखिल होता है, जहाँ पर किसी का भी जाना माना था। यहाँ पर मेरेक को उन सभी लड़कियों का वीडियो टेप्स मिलता है, जिनका एग्जोरिज्म अब तक किया गया था। मेरेक भी उस जगह पर जाता है जहाँ उस लड़कियों की एग्जोरिज्म किया गया। यहाँ वेट के नीचे मेरेक को एक इंजेक्शन मिलता है, जिससे वो समझ जाता है उस लड़की को किसी तरह की ड्रग दी गई थी। साथ में मेरेक को बेड के पास से कारपेट हटाने पर पत्थर मिलता है, जिस पर खड़े होकर प्रेस करने पर बेड जोर जोर से हिलता है। वही मेरेक जब उस क्रॉस को देखता है तो उसके पीछे एक बटन होता है, जिसको दबाने पर आग लग जाती है। और ये सब देखकर मेरेक पूरी तरह से समझ जाता है ये लोग जो भी करते हैं वो सब एक तरह के नाटक है। अब अगले दिन फादर एंड्रेस मेरेक को प्रार्थना कराने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मेरेक दो लाइन कहने के बाद और कह नहीं पाता, जिससे फादर एंड्रेस नाराज हो जाते हैं और इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए अपने असिस्टेंट पियोत्री को ऑर्डर देते हैं। इसके बाद फिर से मेरेक जब खाना खाने बैठता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, साथ में उल्टी भी हो रही थी। मतलब मेरेक जब से यहाँ आया है तभी से उसकी हालत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, इसलिए मेरेक यहाँ से जाने का फैसला करता है और अपनी सूटकेस से गान निकलता है और उस पेपर कटिंग को जला देता है। फिर वो सीधा मोनेस्ट्री के मेन गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो ब्लॉक होता है। तभी मेरेक खिड़की से कुछ लोगों को देखता है जो किसी को दफना रहे हैं, और पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उसी लड़की की लाश को दफना रहे हैं जिसका कल एग्जोरिज्म किया गया था। ये जानकर मेरेक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये लड़की मर कैसे सकती है, क्योंकि कल वो उसके सामने जिंदा थी। इसलिए मेरेक फिर से उस कमरे में जाता है और मेरेक को वहाँ काफी ज्यादा खून गिरा देखता है, लेकिन तभी पीछे से एक अनजान आदमी उसे कन्फेशन रूम में आने के लिए कहता है। और जब मेरेक कन्फेशन रूम में पहुँचता है, उसे वहाँ पियोत्री मिलता
देता है जो मेरिक से कहता है वो यह किस चीज की छानबीन के लिए आया है और सबकी नजर उस पर है, साथ में संभाल के रहने के लिए कहता है। पियोत्री ये भी कहता है जब उसे यह पहली बार लाया गया था वो भी यहाँ से निकलना चाहता था और एक दिन जब भागने की कोशिश की तो वो पकड़ा गया, जिसके बाद इन्होंने उसे कई तरह की टॉर्चर की, तब से उसे यह ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है। पियोत्री की बात सुन के मेरिक उसे विश्वास कर लेता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। फिर मेरिक पियोत्री से नकली एक्सोरिज्म के बारे में पूछता है, जिस पर पियोत्री उसे बताता है कि ये एक्सोरिज्म सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि चार्ज को फंड मिलता रहे। इसके बाद मेरिक अपने कमरे में जाता है और चेक करता है ताकि कहीं उसकी जासूसी तो नहीं की जा रही, इसलिए वो कमरे की अलमारी को खिसका कर देखता है, लेकिन तभी उसे वहाँ दीवार पर एक होल देखता है जिस पर से अजीब तरह का चिपचिपा काले रंग के लिक्विड निकल रहा था, जिसके अंदर मेरिक हिम्मत करके हाथ डालता है तो उसमें से उसे इंसान की एक आंख मिलता है, जिसके बाद मेरिक पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वो उस जगह को खोदता है और उस एक्सोरिज्म वाली लड़की की कॉफिन को बाहर निकलता है जो कि पूरा खाली होता है। अब इससे पहले मेरिक कुछ समझ पाता पीछे से कोई आके उसे बेहोश कर देता है और जब होश आता है मेरिक खुद को बेड से बांधा हुआ पाता है, जिसके सामने डेविड होता है और तभी फादर एंड्रे चढ़े मांस की चार बॉल लाने के लिए कहते हैं, जिसे मेरिक को उसकी सजा के तौर पर जबरदस्ती खिलाया जाता है और जब नहीं खाता तो डेविड बुरी तरह से मारता है और फिर से वो बेहोश हो जाता है। अब फिर शाम को उसे होश आता है तो वो चुपचाप अपनी रस्सियां खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड की आंख खुल जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी बीच मेरिक अपना गान निकाल के उसे मार देता है। अब वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए भागते हुए मेरिक एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसे उन सात लड़कियों की लाश टांगी हुई मिलती है जिनके बारे में न्यूज़पेपर पर लिखा गया। इन लड़कियों की लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी, साथ ही उनकी बॉडी पार्ट्स को भी काटा गया था, जो देखकर मेरे को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि जिस खराब मांस को अब तक खा रहा था असल में ये इन्हीं लड़कियों का था, क्योंकि जब उसे ही खिलाया जा रहा था। इसी बीच पियोत्री वहां आ जाता है और कुछ दिखाने के लिए मेरे को बुलाता है। उसे हजार साल पुराना एक किताब दिखाता है जिसके मुताबिक 800 साल में एक बार अमावस्या की रात में एक बच्चे का जन्म होगा। अगर उसे उसी वक्त सही मंत्र का उच्चारण और खंजर की मदद से मार दिया गया तो इस धरती पर सैटर्न खुद आएगा, जो कि धरती पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करेगा, यानी वो अपने हिसाब से एक नई दुनिया बसाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो सात पापी लड़कियों को सेक्रीफाइस करने के साथ एक निर्दोष लड़की के खून को पीने के बाद ही सैटर्न उस बच्चे के शरीर में खुद ब खुद दाखिल हो जाएगा। अब उसी किताब में एक निशान देखकर मेरिक बताता है कि बिल्कुल वैसे ही निशान उसके शरीर पर है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जिस बच्चे को देखा था उसके शरीर पर भी वो निशान था। इसीलिए इस किताब से और निशान से साफ समझ आ जाता है कि वो बच्चा असल में मेरिक ही था, जिसे यहाँ के प्रिस्ट ने इस रिचुअल को पूरा कराने के लिए बड़े अफिसरों को पैसा खिलाकर यहाँ पर बुलवाया था, क्योंकि उनकी पहुँच काफी ऊपर तक है। अब ये सब जानकर मेरिक किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए पियोत्री उसे एक सुरंग के रास्ते में ले जाता है जहाँ मेरिक को आगे जाने पर कुछ लोग बुरी तरह से मारते हैं। और यह हमें ये पता चलता है पियोत्री असल में उसके साथ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो चार्ज का वफादार था। अब मेरिक को एक जगह बांध दिया जाता है जहाँ उस एक्सोरिज्म वाली लड़की को लाया जाता है जो कि अब भी जिंदा थी। अब उस लड़की के गले को काट कर खून को कटोरों में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद सभी उस खून को बारी बारी पीते हैं और कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, मगर वो नरक का सैटर्न नहीं आता, जिस बात पर सभी सोचते हैं कि उनसे जरूर इस रिचुअल को करने में गलती हुई होगी। पियोत्री अपने हाथों से मेरिक को मार के एक कुएं में फेंक देता है। इसके बाद पियोत्री फादर एंड्रेस को भी मार देता है, क्योंकि उनके बाद वो ही मोनेस्ट्री का हेड होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। अगले दिन जब सभी फादर एंड्रेस की लाश के पास प्रार्थना कर रहे थे, जिन्हें पियोत्री लीड कर रहा था, क्योंकि सभी को लग रहा था वो अपनी मौत मरे है, दूसरी तरफ मेरिक अभी भी जिंदा है, जो कि अचानक से सच में एक सैटर्न में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके आते ही पियोत्री प्रार्थना करते हुए हवा में उड़कर गायब हो जाता है और बाकी सभी लोग स्टेचू बनकर उल्टे आसमान की तरफ लटक जाते हैं। साथ ही आसमान में एक बड़ा होल हो जाता है। इससे हमें यह समझ पाते हैं कि सैटर्न के आते ही नरक का दरवाजा खोल दिया है, जिस वजह से अब ये पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और इस पर सिर्फ सैटर्न का राज होगा। मतलब कि इन प्रिस्ट का रिचुअल सही था, बस उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दे। जय हिंद।